बाप दादा के अव्यक्त मुरली है। बाईस नंबर गुलजार दादी जी के द्वारा जो रिवाइज कर रहे हैं हम, बाबा ने हमें सुनाई थी 19 जुलाई 1969। मुरली का विषय है जीरो और हीरो बनो। आज किस लिए बुलाया है बच्चों ने जवाब दिया, बल भरने के लिए बुलाया है। तो किस बात की निर्बलता समझती हो? बल भरने के लिए बुलाया है इसका मतलब आप निर्बल हो। किस बात में निर्बल समझती हो? विशेष किस बात में बल भरना है? सर्विस में भी बल किस से भरेगा? वे तो अपने में कितना बल भरा है वो सिर्फ देखना है। आप सभी का नाम ही है शिव शक्ति। तो शक्तियों में शक्ति तो है ही, वह शक्ति स्वरूप बन रही हो। बाप दादा तो आए हैं देखने कि कौन सा जेवर बाप दादा के सृष्टि के श्रृंगार करने लिए तैयार हुए हैं। कौन से जेवर बाप दादा के सृष्टि के श्रृंगार करने के लिए तैयार हुए हैं? अभी जेवर तो तैयार हैं, जेवर तो तैयार हो गए ना, लेकिन तैयार होने वाला क्या होता है जिसे पता लगता है कि लास्ट में कि तैयार हो गया? पॉलिश। अभी सिर्फ पॉलिश होनी है। मुख्य बात है जिसकी पॉलिश होनी है वो यही है सभी को ज्यादा से ज्यादा अव्यक्त स्थिति में रहने का विशेष समय देना है। अव्यक्त स्थिति की पॉलिश ही बाकी रही है। आपस में बातचीत करते समय आत्मा रूप में देखो, शरीर में होते हुए भी आत्मा को देखो, ये पहला पाठ है। इसकी ही आवश्यकता है। जो भी सभी धारणाएं सुनी हैं उन सभी को जीवन में लाने के लिए यही पहला पाठ पक्का करना पड़ेगा, पक्का करना पड़ेगा। ये आत्मिक दृष्टि की अवस्था प्रैक्टिकल में कम रहती है, प्रैक्टिकल में कम रहती है। सर्विस की सफलता ज्यादा निकले उसका भी मुख्य साधन यह है कि आत्म स्थिति में रहे सर्विस करनी है। किसमें रहना है? आत्म स्थिति में रहे सर्विस करनी है। आत्म स्थिति में रहना बहुत जरूरी है। जब तक आत्म स्थिति में नहीं रहेंगे तब तक कोई लाभ नहीं। पहला पाठ ही पॉलिश, पहला पाठ ही पॉलिश, इसकी ही आवश्यकता है। कब नोट किया? कब नोट किया? सारे दिन में ये आत्मिक दृष्टि स्मृति कितनी रहती है? इस स्थिति की परख अपनी सर्विस की रिजल्ट से भी देख सकते हो।
इस स्थिति की परख अपनी सर्विस की रिजल्ट से क्या कर सकते हो, देख सकते हो। यह अवस्था क्षमा क्षमा है। यह अवस्था क्या है, क्षमा है। क्षमा पर परवाने ना चाहते हुए भी जाते हैं, क्षमा पर परवाने ना चाहते हुए भी जाते हैं। आप सभी टीचर तो हो ही, टीचर तो हो ही, बाकी टीचर से क्या बनने लिए भट्टी में आए हो, टीचर से क्या बनने लिए भट्टी में आए हो। आप लोग बहुत सोचते हो परंतु है बहुत सहज, आप लोग बहुत सोचते हो परंतु है बहुत सहज, अपने समान बनाने लिए बुलाया है, अपने समान अर्थात जीरो बनाने, जैसे मैं ज्योति बिंदु आप भी ज्योति बिंदु हो। जीरो में बीज व बिंदी भी आ जाता है, उसे जीरो कहें, बीज कहें व बिंदी कहें, बात एक ही है। और फिर साथ साथ कोई ऐसा कार्य हो जाता है तो उनको भी जीरो बनाना है, उनको भी जीरो। कोई भी कार्य हो गया, अच्छा हुआ तो भी बिंदी, बुरा हुआ तो भी बिंदी, अब उसकी कोई हमारे बुद्धि में स्मृति ना रहे, याद ना रहे। तो खास जीरो याद करने लिए बुलाया है। टीचर के रूप तो बहुत बड़ा है, टीचर का रूप तो बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत बड़ा है फिर बहुत छोटा बनाने आया हूं। बाबा कहते फिर क्या करने आए हैं, बहुत छोटा बनाने आया हूं। सभी से छोटा रूप है बाप का, सबसे छोटा रूप है बाप का। और आप सभी का भी तो अब जीरो को याद रखेंगे, अब आप सभी का भी क्या हो गया, छोटे से छोटा रूप जीरो। तो याद रखेंगे जीरो को तो क्या बन जाएंगे आप, हीरो। हीरो एक्टर भी होता है और बाप दादा का प्रिय भी है, रत्न को भी हीरा कहा जाता है और मुख्य एक्टर को भी हीरो कहा जाता है। तो आप समझा किस लिए बुलाया है, सिर्फ दो अक्षर याद करने हैं, जीरो और हीरो। तो बाप दादा के समान सर्व गुणों में संपन्न हो जाएंगे, क्या बन जाएंगे आप, संपन्न हो जाएंगे। विस्तार को समाया जाता है, विस्तार को समाया जाता है ना। 15 दिन इतनी स्टडी की है, बहुत कापियां भरी हैं, बाप दादा फिर आपके विस्तार को बीज में सुना रहे हैं, बिल्कुल नटसेल में। और सभी भूल भी जाएं, ये तो नहीं भूलेगा, ये याद रखो, फिर देखना सर्विस में कितना चेंज आती है। आप सभी की इच्छा यही है कि हम भी बदलें और समय भी बदले
अपने घर चलें। जब घर चलने की इच्छा है तो फिर ये दो बातें याद रखो, फिर कमियों की बजाय कमाल कर दिखाओ, कमियां खत्म हो जाएंगी और जहां भी देखेंगे सुनेंगे तो कमाल ही कमाल देखेंगे। तो आप इस भट्टी से क्या बनकर जाएंगे? जीरो। जीरो में कोई बात ही नहीं होती, कोई पिछले संस्कार नहीं। यहाँ छोड़ने भी आए हो तो फिर अच्छी तरह से जो कुछ छोड़ना था वे छोड़ चले हो, वे थोड़ा साथ में भी ले जाएंगे, पूछ रहे हैं छोड़ने आए थे छोड़ चले हो या थोड़ा सा साथ लेके जाओगे? क्या छोड़ा है और कितने तक छोड़ा है? थोड़े समय के लिए छोड़ा है या सदा काल के लिए छोड़ा है, ये भी देखना है। संगठन की भक्ति में शक्ति में संगठन की शक्ति में छोड़ दिया या स्वयं की शक्ति में छोड़ा कि सारे छोड़ रहे थे इसलिए मैंने छोड़ दिया, या अपनी शक्ति से इसको छोड़ा। संगठन की शक्ति सहारा तो देती है लेकिन संगठन की शक्ति के साथ स्वयं की शक्ति भी चाहिए, स्वयं की शक्ति भी चाहिए। जब भी जो छोड़ा है वो सदा काल के लिए, वो सदा काल के लिए। बाप दादा को आप सभी प्रिय तो हो क्योंकि बाप भी तुम बच्चों की मदद से कार्य करा रहे हैं, तुम बच्चों की मदद से कार्य करा रहे हैं। तो कार्य में मददगार होने वाले प्रिय तो रहते ही हैं लेकिन मददगार के साथ हिम्मतवान कहाँ कम बनते हैं, हिम्मतवान कहाँ कम बनते हैं। यहाँ हिम्मत छोड़ देते हैं। अगर हिम्मत हो तो मदद जरूर मिलेगी। तो इसलिए मददगार के साथ कुछ हिम्मतवान भी बनो। छोटी छोटी बातों में हिम्मतहीन नहीं बनना है, हिम्मतवान बनने से फिर आप सभी की जो इच्छा है वो पूर्ण होगी, वो पूर्ण होगी। अभी हिम्मत की आवश्यकता है। हिम्मत कैसे आएगी? हर समय हर कदम पर हर संकल्प में बलिहार होने से, बलिहार होने से। जो बलिहार होता है उसमें हिम्मत ज्यादा होती है। तो जितना अपने को बलिहार बनाएंगे उतना ही गले का के हार में नजदीक आएंगे। अभी बलिहार होंगे फिर बनेंगे प्रभु के गले का हार। अगर बलिहार बनने के ही कर्म करेंगे तो दूसरों को भी बलिहार बनाएंगे, बलिहार बनकर के ही कर्म करेंगे, बाप पर कुर्बान जाकर ही कर्म करेंगे तो फिर क्या होगा? दूसरों को भी बलिहार बनाएंगे, खुद भी बलिहार होंगे और दूसरों को भी बलिहार बनाएंगे। जिसको वारिस कहा जाता है वो क्या बनेंगे? वारिस। अभी प्रजा बहुत बनती है, वारिस कम बनते हैं, इसलिए जितना बहुत बनाएंगे उतना ही नजदीक आएंगे।
तो आप वारिस बनाने की प्लान सोचो। अच्छा, ओम शांति।